केमिस्ट्री कब खोली है? मैंने बोला एग्जाम के एक दिन पहले. बोला पूरे साल कितनी बार खोली? मैंने बोला चार बार खोली है, टर्म वन के एक बार, टर्म टू में और स्टैंड अप में, और तीसरा और चौथी बार अब खोली है. नाजरीन और सामाइन जो भी होता है. तो हालात ऐसे हैं कि आज हमारा फर्स्ट ऑफ MBBS का सफ़र इख्तिताम होने पे है, तो जिसका मतलब ये है कि आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है. तो आज हम जाएंगे बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने कॉलेज. हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास नीली प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए हैं, फर्स्ट ऑफ खत्म और टेंशन खत्म. तो अभी बस अभी क्या प्लान्स आपके? अभी तो घर जाऊंगा, 10 दिन छुट्टी मारूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा. चलो ठीक है. लाइक शेयर सब्सक्राइब. ओके, कैसा हुआ आपका? बढ़िया हुआ. हाँ, मजा आया. तो फाइनली हमारा फर्स्ट ब्लॉक खत्म हो गया, क्या बताना चाहोगे आप? कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? फीलिंग्स बड़ी अच्छी आ रही है. फाइनली फर्स्ट ब्लॉक खत्म हो गया, आज लास्ट दिन था प्रैक्टिकल का. बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार था. अब रैंकिंग करेंगे सबकी. और नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आपके? नेक्स्ट आर अभी कुछ फिलहाल कुछ और दिन मस्ती करेंगे. जाओ जाओ. To be honest, it has never brought me down. No. I'm really glad I'm not walking around. मेरा वाइवा हो गया और मैं स्कोर कर रहा हूँ और कुछ स्टूडेंट्स चले गए हैं, तो कुछ का भी प्रैक्टिकल हो रहा है. I'm really glad I'm not walking around. But even my inflated egg brain figured it out. Suddenly you realize that everything you'd ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize, 'cause everything I ever thought I was made me cry. Like रचना मैम ने बोला बायोकेमिस्ट्री कब खोली है? मैंने बोला एग्जाम के एक दिन पहले. बोला पूरे साल कितनी बार खोली? मैंने बोला चार बार खोली है, टर्म वन के एक बार, टर्म टू में और स्टैंड अप में, और तीसरा और चौथी बार अब खोली है. अच्छा, चार बार खोली ऐसे ध्यान आ रहा है. ठीक है, सच बोला कि तो मैं मार्क्स रखूँ. मैंने सच बोला तो मार्क्स रख दिए पास. अच्छा ठीक है. और बाकी कैसे एग्जाम्स आपके? एग्जाम्स बाकी कैसे हुए? बाकी एग्जाम? हाँ, बाकी एग्जाम तो यार बढ़िया हुए. थ्योरी पेपर अच्छे हुए, उसमें पास हो जाएंगे. ठीक. प्रैक्टिकल में तो यार जिसको आता है उसको भी बेइज्जती खानी है, जिसको नहीं आता उसको भी बेइज्जती खानी है. हाँ, ये बात तो सही है. तो 5 साल बेइज्जती खानी है. बिल्कुल हाल में. बिल्कुल. और आपका कैसा हुआ? मेरा भी ठीक ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक हो गया. हो गया. आज बायोकेमिस्ट्री का लास्ट पेपर, ये लास्ट दिन था यहाँ. हाँ, 6th फ्लोर पर फिर भी आना है. 6th फ्लोर पर माइक्रोबायोलॉजी इसी डिपार्टमेंट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. फर्स्ट प्रॉफ आपका कैसा रहा? फर्स्ट प्रॉफ? हाँ, आज लास्ट दिन इसलिए पूछ रहेगा. हाँ मतलब खत्म होने वाला है, तो क्या आपके वो हैं हालात, क्या आप बताना चाहोगे? यार मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि इसमें इंसान को एडजस्ट होना पड़ता है. पहले नहीं देखा होता है कि वाइवा का क्या सीन है. यहाँ पे वाइवा होते हैं, बार बार एग्जाम्स होते हैं, साल में इतनी बार. वैसे तो अभी तक 12th में हमने देखा था खाली, फिर लास्ट में एक ही एग्ज़ाम, एक साल में एक ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको साल में 5-10 बार बेइज्जती खानी होगी, इतने एग्जाम्स के लिए बार बार प्रिपेयर करना होगा. और
फर्स्ट ईयर में ऐसे ही मतलब थोड़ा सा हो जाता है, सब्जेक्ट तो ईजी है लेकिन फिर भी बच्चों को डिफिकल्टी आती है एडजस्ट होने में. फिर एक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इंसान एडजस्ट हो गया होता है, उनको पता होता है वाइवा में क्या सीन है. फिर लास्ट में इसमें सबसे डर होता है ना पहले साल में, जब सीनियर डराते हैं कि आप देखो ये सप्ली का डर रहता है सबसे ज़्यादा. हाँ. तो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर रहता है कि हमें फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई तो पता नहीं आगे क्या होगा, पास हो जाएंगे नहीं होंगे. लेकिन अब फर्स्ट ईयर दे देंगे ना फिर आराम से जो पास हो जाएंगे, फिर उनको पता चला कि पास तो हो जाते हैं आराम से. लेकिन पहले डर रहता है बहुत कि ये पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सप्ली आ गई तो क्या करेंगे. आपको लग रहा है हमारे एग्जाम्स फाइनली खत्म हो गए? एग्जाम फाइनली खत्म हो गए, बहुत फ्री महसूस कर रहा हूँ. कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत फ्री, मतलब फ्री कोई बोझ उतर गया. और तो अभी मैं बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देके वापस आ गया हूँ. और बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देने के बाद मैं आके थोड़ा सोया था एक घंटा. और उसके बाद अभी जो काम करने हैं वो ये हैं कि अब मुझे सबसे पहले रूम की सफाई करनी है, फिर उसके बाद नहाना है, और उसके बाद कुछ कपड़े हैं वो धोने के लिए डालने हैं. And I'm really glad I don't take part in your big search for who you are. And I don't care that I sound arrogant, but knowing who you are is just for amateurs. Suddenly you realize, yeah, that everything you ever told yourself were lies. And believe me, I can sympathize. बाहर में ये खाना खाने के बाद हम अक्सर ही जाते रहते हैं. आज हमने ही हॉस्टल पे खाया खाना. मुझे वो कपड़े डालने थे सर्फ में धोने के लिए, तो वो भी नहीं डाले मैंने. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि रात को डालूंगा, तो सुबह उनको धुलूंगा. और कल कुछ बाकी स्टूडेंट्स का वाइवा है, और परसों हमें छुट्टी है, और 13 से हमारी फिर सेकंड प्रॉफ की क्लासेस हैं. तो दो दिन हैं अभी हमारे पास, तो इन दो दिनों में किताबों का जुगाड़ करना है. और हो सका तो कहीं घूमने भी जाएंगे, नहीं तो यहीं पर कमरे में पड़े रहेंगे. तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट. मैं और वो इस रूम पे बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कुछ बाहर से खाने के लिए लाएंगे. मुझे एप्पी लेनी थी, कल भी आए थे हम, कल भी देर से आए थे, कल मैंने खाना नहीं खाया था रात को. तो अभी हम यहाँ दुकान पे आए थे, दुकान बंद है, तो अब हमें वहीं से लेना पड़ेगा कैंटीन से. एप्पी तो नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा उससे काम चलाना पड़ेगा. That everything you'd ever told yourself was lies. And believe me, I can